धार जिले के कुशीनगर में सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। अस्पताल में धार जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर सी पनिका, एसडीएम विवेक कुमार, स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत की उपस्थिति में कोरोना की वैक्सीन की ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया गया। सबसे पहले कर्मचारी बने हितग्राही के तापमान की जाँच की गई और दस्तावेज देखे गए। वैक्सीन जोन में कर्मचारी को मॉकड्रिल के तहत दूध देने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस मौके पर कुक्षी बाग निसरपुर डही बीएमओ को ड्राई रन की जानकारी दी गई। डॉक्टर पनिका और एसडीएम विवेक कुमार ने बताया कि शीघ्र ही यह सुविधा जनता को प्राप्त होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर अब भाई जैसी स्थिति नहीं है। कुक्षी से महेंद्र कन्नौज की रिपोर्ट। सर, आज कुक्षी आने का विशेष उद्देश्य करा जिले में आज ड्राई रन निर्धारित किया गया है। पूरे प्रदेश में आज ड्राई रन किया जा रहा है और सभी जिलों में दो दो तीन तीन स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है। आज धार प्रॉपर में दो जगहों पर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा एक प्राइवेट महाजन हॉस्पिटल, तीसरा कुक्षी हॉस्पिटल को हमने चुना है ड्राई रन के लिए। ड्राई रन में हमने आज यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था देखी, कैसे लोगों को लाया जाएगा, किस तरह से वेटिंग कराया जाएगा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, कैसे उसका मिलान करेंगे और किस प्रकार टीकाकरण करके उसको सुरक्षित ऑब्जर्वेशन रूम में रख के घर भेजना है। ये सारी प्रक्रिया की तैयारी यहाँ पे रखी गई है। इसमें हमने इस इधर नीचे मतलब कुक्षी के आसपास के जितने भी ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स, उसके ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को और उनके सहयोगियों को यहाँ बुलाया गया है। वो सभी आज ड्राई रन में यहाँ पर भाग लेंगे और उनके यहाँ के हर लोग इसमें आके लेके हिस्सेदारी करके और ट्रेंड हो जाएंगे और फिर आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन होने वाला है उस समय ये सारे अपने अपने ब्लॉक्स में, हमने पूरे ज़िले में 40 स्थान ऐसे तय किए हैं जहां पे टीकाकरण प्रथम चरण में किया जाएगा, जो आपसे 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा, उसकी व्यवस्था हमने कर ली है। और उसी के लिए आज जो पूर्वाभ्यास किया जा रहा है वो यहाँ पर कुक्षी में किया जा रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम किस प्रकार से, उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये है कि वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस देश में होना है उसकी अपनी तैयारी, उसमें मुख्य रूप से स्पेसेस अपने 3 हैं। सबसे पहले अपना वेटिंग रूम रहेगा, उसके बाद में वैक्सीनेशन रूम रहेगा, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम। तो वेटिंग रूम से जब भी व्यक्ति को लेके आया जाएगा, यहाँ पे उसकी ऑनलाइन एंट्री होनी है, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन होना है, फिर वही व्यक्ति यहाँ पे आधे घंटे तक यहाँ पे इंतज़ार करेगा, ऑब्जर्वेशन में रहेगा। इनकेस अगर उसको कोई भी समस्या होती है, इमीडिएटली हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उसको सहायता दी जाएगी और संभवतः ऐसी कोई समस्या नहीं होनी है। मेरा यहाँ के लोगों से अपील ये है कि आप लोगों तक सूचना मैसेज के माध्यम से जाएगी। जिस भी दिन के लिए आप लोगों के पास में सूचना आती है, आप सभी एक साथ यहाँ पे नहीं आए, आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आपके स्लॉट्स बता दिए जाएंगे एक दिन पहले और आप उसी स्लॉट में आएँ। ये जो समस्या है इसका मुख्य जो समाधान है वो है एक दूसरे से दूरियाँ। सभी लोग आप लोग एक साथ में आ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा समस्या है। और आज हम लोगों के पास में जिले से CMHO साहब आए, CMHO साहब ने हर एक बिंदु पर हम लोगों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम को अच्छे से ब्रीफ किया है और आने वाले समय में भी CMHO साहब का जो मार्गदर्शन है हम लोगों के लिए उपयोगी है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।